शुरू में हमने एक आयत कोट की थी, सूरह फुसिला सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53, सनुरीहिम आयाती नौफिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, कि हम अनकरीब इनको दिखाएंगे अपनी निशानियां आफाक में भी और इनके अपने नफूस में भी, इनकी जानों में भी। अपनी जान में हम लोगों ने देख लिया कुछ हद तक, मेरी क्या मजाल है किसी ऑफ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं एक दिन में, एक बार में। थोड़ी सी झलक भी कहा जाए तो कम है, ये थोड़ा सा था हमारी जानों में अल्लाह की निशानियां। अल्लाह ताला फरमाता है हम आफाक में भी दिखाएंगे। अब आइए अपने से बाहर निकलकर, अर्थ से बाहर निकलकर स्पेस में देखते हैं अल्लाह की निशानियां क्या हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की रोशनी में। अल्लाह ताला ने आसमान में हमारे लिए बहुत सारी निशानियां रखी हैं जो कई बार हमारे तखय्युल से मावरा हो जाएंगी। स्टार यानी तारा ल्यूमिनस बॉडी को कहते हैं, एक चमकीली बॉडी को कहते हैं जो कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस के मोस्टली बने होते हैं। जैसे कि सूरज, सूरज एक तारा है और आपको मालूम होगा अर्थ उसके अराउंड चक्कर लगा रही है। हमारी पूरी सोलर फैमिली यानी अर्थ सन मून और पूरी फैमिली सोलर फैमिली कहलाती है। ये सोलर फैमिली मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। गैलेक्सी किसको कहते हैं? तारों के ग्रुप को जो कि एक ना दिखने वाले फोर्स से बंधे हुए हैं, वो गैलेक्सी कहलाते हैं। और एक एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, अरबों की तादाद में तारे हैं। अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है जो, उसमें 100 से 200 अरब स्टार्स हैं और उसका एक पार्ट है सूरज, एक तारा है सूरज। 100 से 200 अरब स्टार्स का ग्रुप है सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी, बैकबोन ऑफ द नाइट भी कहते हैं इसको। और मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड हमारा सूरज चक्कर लगा रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट को पर, जिसको अब सोलर एपेक्स नाम दिया गया है। पूरी सूरज उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है और सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड एक चक्कर पूरा करता है 20 करोड़ साल में। कितना? 20 करोड़ साल में सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की विड्थ का अंदाजा लगाइए, वो कितनी वसी है। सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं हम अपने टेलीस्कोप से स्पेस का कम ही हिस्सा देख पाते हैं, ज्यादातर नहीं देख पाते हैं। उसमें से भी कितना कुछ डिस्कवर्ड है, उसमें गौर करने की जरूरत है कि सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगा रहा है, जमीन और चांद जमीन के अराउंड चक्कर लगा रही है। और इसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले से है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है और चांद और सूरज को पैदा किया है। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, सब एक एक ऑर्बिट में तैर रहे हैं। कुरान मजीद में 1400 साल पहले से लिखा हुआ है कि सूरज भी घूम रहा है, चांद भी और जमीन भी, सब सब घूम रहे हैं।